वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। जहां एक तरफ तालिबानी हुकूमत ने अफगान पर अपना कब्जा जमा लिया है, वहां आतंक मचा रहे हैं, वहीं तानाशाही की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाक समर्थित एजेंसी भारत को धराने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम भी उनकी मदद कर रहा है। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि आज का भारत दुश्मनों की हर रग से वाकिफ है और कुछ गलत होने पर उन्हें ढेर करना भी जानता है। ठीक वैसे ही जैसे देश की सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया जानकारी के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल विंग की मदद से यूपी एटीएस ने इनके मंसूबों को नेस्ते नाबूद कर दिया। यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली और बहराइच से आतंकियों को ढूंढ देश की जनता के सर पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे को टाल दिया। अब उन पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ चल रही है, जिसमें प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए जीशान को लेकर चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में यूपी के लखनऊ से आतंकी सैफुल्ला को ठिकाने लगाकर यूपी एटीएस ने आईएसआईएस मॉड्यूल की पनप रही आतंकी गतिविधियों पर काफी वक्त के लिए रोक लगा दी थी। तो हाल ही में लखनऊ से 3 आतंकियों को और गिरफ्तार कर अलकायदा के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है और अब एक बार फिर से यूपी के कई जिलों में आतंकी नेटवर्क को यूपी एटीएस ने धराशाही कर दिया। वहीं प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए जीशान इस नेटवर्क की अहम कड़ी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जीशान अप्रैल मई में मस्कट गया था। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए ओसामा की मुलाकात जीशान से मस्कट में हुई थी। एक पाकिस्तानी हैंडलर ने सोशल मीडिया मैसेंजर के जरिए जीशान को ट्रेनिंग की बात कही थी, जिसके बाद वो मस्कट पहुंचा था। ऐसे में अनीस इब्राहिम, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई भी है, उसी ने इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। ओसामा और जीशान को वहां कुछ बांग्लादेशी मिले थे जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। पूछताछ में ये भी पता चला है कि ट्रेनिंग के लिए इन्हें जियोनी नाम की एक जगह पर लेके जाया गया था, जहां पर पाक के गवादर बंदरगाह के पास पहुंचे और फिर पाकिस्तान के थट्टा फार्म हाउस में पाकिस्तान की सेना की ड्रेस में रहने वाले जब्बार और हमजा ने इन्हें ट्रेनिंग दी, जिसमें 15 दिन में इन्हें घरेलू सामान से बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। वहीं यूपी एटीएस की कार्रवाई के बाद जीशान के पिता ने बताया कि उनका बेटा एमबीए करने के लिए दुबई में नौकरी करने के लिए चला गया था, लेकिन लॉकडाउन में वह वापस प्रयागराज आकर खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से जीशान का परिवार सक्षम है। करेली में 3 मंजिला आलिशान मकान भी है। जीशान के पड़ोसी जुल्फिकार ने बताया कि अभी 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। घर में 2 बहनों के अलावा जीशान के माता पिता हैं। जीशान के पिता कमरून भी खाड़ी देश में रहा करते थे, वो भी साल भर पहले ही वापस आए थे। बातचीत से कभी इस तरह की एक्टिविटी का पता नहीं चला, ये उसका दोस्त का कहना है। दूसरे पड़ोसी अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अक्सर आते जाते जीशान दिखता था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की एक्टिविटी यानी कि आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। वहीं पूछताछ में जीशान की गवाही के बाद एटीएस ने नैनी के ढांडी इलाके में पोल्ट्री फार्म के बक्से में रखे आईईडी की बरामद की है। इस पोल्ट्री फार्म को प्रयाग के मुट्ठीगंज में रहने वाले शाहरुख चलाता था। पोल्ट्री फार्म के बगल में रहने वाले शाहरुख के रिश्तेदार जावेद ने बताया कि हर रोज शाहरुख का यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। उसके अलावा मुर्गी को ले जाने वाले लोग वहाँ पर आते थे। बाकी पड़ोसियों को भी शाहरुख के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था और अपने काम से काम रहता था। वहीं एटीएस की पूछताछ में तो ये भी सामने आया है कि संदिग्ध जीशान और ओसामा को रामलीला और नवरात्रों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाका करने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं इसके अलावा विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में होने वाली रैलियों में कुछ नेता भी इनके निशाने पर थे, जिन्हें ये धमाकों से उड़ाना चाहते थे। आपको बता दें कि जीशान के लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आमिर जावेद के रिश्तेदार की बात सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि आमिर की बहन की शादी प्रयागराज में हुई थी, उसी सिलसिले में उनका प्रयागराज में आना जाना था। आमिर भी खजूर का कारोबार करता था। एटीएस की टीम इस मामले में शाहरुख की भूमिका भी तलाश रही है। इसके अलावा जीशान और ओसामा से हुई पूछताछ के आधार पर कानपुर के जजमऊ इलाके में एटीएस की ओसामा के रिश्तेदार हुमेद की तलाश की छापेमारी भी चल रही है। जल्द उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से आतंकी शातिर ढंग से आम लोगों के बीच रहकर अपनी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे और फलों खजूर के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर ये खौफनाक धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इनके सभी नापाक मंसूबों को यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की एसटीएफ ने मिलकर नाकाम कर दिया। अब देखना होगा कि इस मामले के तार कहां-कहां तक जुड़ते हैं और कौन-कौन देशद्रोही
आतंकी इस मामले में सामने आता है। यूपी में आतंकी घटना की नाकाम कोशिश करने वाले आतंकवादियों को पुलिस ने धर दबोचा और यह सफलता यूपी एटीएस को मिली। लगातार पुलिस को यूपी पुलिस को सफलता मिल रही है। 15 अगस्त के पहले भी नापाक को साजिशें अंजाम देने के लिए साजिश रची गई थी, लेकिन उसके पहले ही यूपी पुलिस ने आतंकवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस बार भी 3 आतंकवादियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी एलो एसएन, जिनसे बात करते हैं कि सर जो गिरफ्तारियां हुई क्या मंसूबे थे और कितनी गिरफ्तारियां हुई, अभी आगे क्या है? एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में एक साथ दबिश देते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की और 6 लोगों को हिरासत में लिया तथा उनमें से एक व्यक्ति के निशानदेही पे एक आईईडी बॉम्ब जो काफ़ी शक्तिशाली था उसको रिकवर किया। इस तरीके से ये जो पूरी साजिश थी वो आईएसआई के लोगों के द्वारा यहाँ पर एक टेरर मॉड्यूल चलाया जा रहा था उसको पूरी तरीके से विफल किया गया और ये बहुत ही उल्लेखनीय सफलता हमारे एटीएस को हाथ लगी है। सर लगातार जो है दोबारा कोशिश की गई है 15 अगस्त के पहले भी, तो इसको जो कोशिशें चल रही इसको जड़ से मिटाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है? ये हमारा जो अपना वर्किंग है एटीएस का वो उस पर हम लगातार, आपने देखा होगा कि इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं और हमारी जो अन्य एजेंसियाँ हैं जो इन चीज़ों पर काम करती है उसके साथ हमारा बेहतर समन्वय हम लोगों ने स्थापित कर रखा है और उसके ही उसी का नतीजा है कि इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो नापाक जो इरादे लेकर यूपी में आते हैं ऐसे आतंकवादियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आता है? इसमें कोई संदेश देने की बात नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से सजग और सतर्क हैं और हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे कि किस तरह की कोई गलत एक्टिविटी उत्तर प्रदेश से ना होने पाए या यहाँ से रह के कहीं और भी कुछ अगर डिस्टर्बेंस करने की कोई साजिश रची जाएगी तो उसको भी हम लोग विफल करेंगे। जी बिल्कुल, एडीजी एलो प्रशांत कुमार जी का कहना है कि जो भी नापाक हरकतें होंगी उसे जो है विफल कर दिया जाएगा और शायद यही वजह रही कि एटीएस ने आतंकवादी घटना के पहले ही आतंकवादियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। हालांकि जांच चल रही है और इससे जुड़े लोगों पर भी यूपी पुलिस पैनी नज़र रखेगी। आसिफ बेग, वीके न्यूज, लखनऊ। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र।